फ्रेंड्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस कलर की ऊन से और नीडल ली है, यहाँ पर हमने 10 नंबर, इससे बहुत ही सुंदर एक बेबी बूटीज बनाएंगे। तो ये देखिए, इस बूटीज को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंगल धागे से 38 फंदे डाले हैं। 38 फंदे डाल के हम शॉल से इस बूटीज को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए, पहली सिलाई है हमारी और सीधी सिलाई, यहीं से ही हम इस बूटीज को बनाना शुरू करेंगे। तो यहां से देखिए, पहले हम 2 फंदे यहां पर सीधे बनाएंगे, 1 और 2, 2 फंदे सीधे बना के, और यहां पर देखिए, यहां पर हम 1 फंदा बढ़ाएंगे, या तो आप इस तरह से फंदा डाल के फंदा बढ़ा लीजिए, या धागा अपनी ओर करके यहाँ पर इस तरह से। आगे हमने क्या करना है, अपनी ओर करके और यहाँ पर एक मार्कर से निशान देंगे इस तरह से। आगे हमने यहाँ पर 16 फंदे इस तरह से सीधे बनानी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 फंदे बना के, और अब हमें क्या करना है, अब हमने फिर से एक मार्कर से निशान देना है इस तरह से, और धागे को हम यहां पर देखिए अपनी ओर करके फंदे को बढ़ाएंगे। यहां पहले मार्कर से निशान देंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे। अब 2 फंदे यहां बीच सेंटर में हम सीधे बनाएंगे, तो 1 और 2, 2 फंदे हमने सीधे बनाए। अब फिर से धागा अपनी ओर करेंगे और फिर एक मार्कर फिर से हम यहां पर निशान देंगे मार्कर से इस तरह से। अब आगे फिर से हम 16 फंदे इस तरह से सीधे बनाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 फंदे हमने फिर से सीधे बनाए, फिर से एक मार्कर से निशान देंगे और धागा अपनी ओर करके फंदा यहां पर बढ़ाएंगे। लास्ट के 2 फंदे भी हम सीधे ही बनाएंगे इस तरह से, 1 और लास्ट वाले सीधा 2। तो ये इस सिलाई में हमने ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 फंदे हमारे बड़े हैं, 1 यहाँ पर बड़ा है, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। तो ये 4 फंदे बड़े हैं पहली सिलाई में। दूसरी सिलाई उल्टी सिलाई, दूसरी सिलाई को हम पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा ही बनाएंगे इस तरह से। जो ये फंदा है इसे हमने ऐसे नहीं बनाना, अगर ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पर जाली बन जाएगी। इसको हमने इस तरह से बैक लूप से सीधा बनाना है, बैक लूप से बनाने से जाली नहीं डलेगी इस तरह से। अब इस मार्कर को इधर लेके आएंगे, और यानी कि अब सभी फंदों को हमने सीधा बनाना है, लेकिन जो जाली वाला फंदा है उसको सीधा बनाना है लेकिन बैक लूप से बनाना। तो मैं दूसरी सिलाई को बुन लेती हूँ। तीसरी रो को मैंने सीधा सीधा बना के कंप्लीट किया। अब आ गई है तीसरी रो, यानी कि तीसरी सिलाई और सीधी सिलाई। तीसरी सिलाई को हमने किस तरह से बनाना, थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए। जैसे हमने यहाँ पर फंदा बढ़ाया था, अगली बार फिर से पहले 2 फंदे सीधे बना के हमने फंदा बढ़ाया था, तो 1, 2। अब की बार जो ये तीसरा फंदा जाली वाली था, इसको भी हम ऐसे इस तरह से बनाएंगे सीधा, यानी कि 3 फंदे बना के धागा अपनी ओर करेंगे। ये अपनी ओर करने से, जाली डलने से फंदा बढ़ेगा। तो पहली सिलाई में 2 फंदे सीधे बनाए थे, अब की बार 3 फंदे बनाएंगे।
अब आगे फिर से हम 16 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। 16 फंदे सीधे बनाए, इस मार्कर को यहां पर रखेंगे और अब हम धागा अपनी ओर करके फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। अब पहले हमने 2 फंदे ये वाले बीच वाले सीधे बनाए थे, अब की बार एक इधर से दोनों तरफ जाली डाली थी तो 2 फंदे ये हो गए हैं, तो यहां पर 4 फंदे सीधे बनाएंगे। तो 1, 2, 3 और 4, 4 फंदे सीधे धागा अपनी ओर करेंगे, यहां पर फिर से फंदा बढ़ाएंगे, मार्कर को इसमें लेंगे, आगे ये 16 फंदे फिर से हम यहां पर सीधे ही बनाएंगे। तो मैं 16 फंदे बना लेती हूँ, ये 16 फंदे मैंने यहां पर देखिए सीधे बनाए, फिर से इस मार्कर को हम यहां पर लेंगे और यहां पर फिर से फंदा बढ़ाएंगे, लास्ट के 3 फंदे हैं तो इनको भी सीधा ही बनाएंगे, 1, 2 और 3। ये हमने अपनी तीसरी सिलाई को सीधे साइड से फंदे बढ़ा के कंप्लीट कर लिया। चौथी सिलाई को हम पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे, इस साइड से मैंने पूरी सिलाई को सीधा सीधा फोर्थ रो को बना के कंप्लीट कर लिया। तो जैसे मैंने यहाँ पर इन दो धारियों में 4-4 फंदे बढ़ाए हैं, 8 फंदे, तो यहाँ पर टोटल मैं ध्यान से देखिए कुछ सिलाइयां और बना लेती हूँ इसी तरह से फंदे बढ़ा के, फिर बताती हूँ मैंने कितनी सिलाइयां बनाई हैं और कितने फंदे इसमें बढ़ाए हैं। तो इसी तरह से एक यहाँ फंदा बढ़ाऊंगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, हर सीधी रो में मैं फंदे बढ़ा के यहाँ पर शॉल को कंप्लीट करती कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ लास्ट में कितने फंदे मैंने कितनी सिलाइयों में बढ़ाए हैं। मैंने यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 धारियां बना के मैंने कंप्लीट की है, 5 धारियों में मेरी 10 सिलाई बन के आई, एक धारी में मेरे 4 फंदे बढ़े हैं तो 5 धारी में 5 चौक 20, 20 फंदे मेरे बढ़ गए हैं, 38 फंदे थे, 38 और 10 48 और 10 58, टोटल यहां पर मेरे 58 फंदे ऊपर बढ़ के बन गए हैं। 58 फंदे होने के बाद ये हमारा यहाँ पर शॉल बन के कम्प्लीट है। अब हमने ऊपर क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमने पहली सीधी सिलाई में तो हमने यहाँ पर एक फंदा सीधा एक उल्टा बनाना है, नॉर्मली जैसे बनाते हैं इसे हम बोलेंगे बेस वाली सिलाई, यानी कि शॉल बनाने के बाद एक यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई डालेंगे, एक सीधे की एक उल्टे की, इसको हम यहाँ पर मार्कर को अब हटा देंगे, एक उल्टा एक सीधा। तो मैं ये सिलाई बना लेती हूँ, एक सीधे की एक उल्टे की, पूरी रो को, 11वीं रो है ये और सीधी रो है, तो इसे मैं एक सीधा एक उल्टे की जैसे बॉर्डर बनाते इस तरह से बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए 11वीं सिलाई को मैंने सीधी तरफ से एक सीधा एक उल्टा फंदा बना के कंप्लीट किया, 12वीं सिलाई। अब आगे देखिए जैसे मैं 12वीं सिलाई बनाऊंगी सेम दोनों तरफ से हमने इसी तरह से बनाना है, थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए, इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, एक फंदा जो उल्टा है इसे उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करके, यानी कि जो जैसा फंदा उसे वैसा ही बनाएंगे, लेकिन जो सीधा फंदा है इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे, इसे हम यहाँ पर जो ये नीचे होल दिखाई दे रहा है इसको सीधे फंदे को ऐसे होल से निकाल के बनाएंगे इस तरह से, धागा अपनी और जो उल्टा फंदा है उसको सिंपली उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, जो सीधा फंदा फिर से बताऊंगी ऐसे नहीं बनाना, हमने जो नीचे ये होल दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसमें से निकाल के सीधा फंदा बनाना इस तरह से, धागा अपनी और उल्टे पे उल्टा, धागा पीछे, जो सीधा है इसे होल से निकाल के सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर उल्टे पे उल्टा, धागा पीछे, जो सीधा है इसे होल से निकाल के। तो पूरी 12वीं सिलाई को हम इसी तरह से सीधे को तो होल से निकाल के बनाएंगे
और उल्टे फंदे को नॉर्मली उल्टा बनाएंगे, सीधे को फिर से होल से निकाल के बनाएंगे, उल्टे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, सीधे को होल से निकाल के सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे को उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा पीछे, सीधे को होल से इस तरह से निकाल के सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे को उल्टा, सिंपली धागा पीछे, सीधे को ऐसे नहीं बनाएंगे, होल से निकाल के सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस 12वीं सिलाई को हम इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ 13वीं सिलाई को भी किस तरह से हमने बनाना है। तो ये 12वीं सिलाई को हमने सीधे को होल से निकाल के इस तरह से बनाया है और उल्टे को सिंपली उल्टा बनाया है। तो पूरी 12वीं सिलाई को इस तरह से हमने बना के कंप्लीट किया डिजाइन की 13वीं सिलाई। जैसे हमने 12वीं सिलाई बनाई है सेम उसी तरह से हम बनाएंगे। तो मैं ये थोड़ा सा आपको बना के दिखा देती हूँ। सीधे को उतारेंगे, उल्टे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, जो ये सीधा फंदा है इसको फिर से होल से निकाल के ऐसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे को उल्टा, धागा पीछे, सीधे को फिर से होल से निकाल के सीधा, धागा अपनी ओर, उल्टे को सिंपली उल्टा, धागा पीछे, सीधे को होल से निकाल के। तो इस तरह से हम दोनों तरफ से हम कुछ सिलाइयां बना लेते हैं, उल्टी तरफ से भी सेम इसी तरह से और सीधी तरफ से भी इसी तरह से। तो फिर दिखाते हैं आगे हम किस तरह से बुटीज को कंप्लीट करेंगे। तो मैं कुछ सिलाइयां बुन लेती हूँ। यहां पर मैंने इस तरह से एक एक दो तीन चार पांच छ सात, यहां पर देखिए मैंने 14 सिलाइयां दोनों तरफ से इस तरह से बना के कंप्लीट की, एक उल्टा एक सीधे को होल से निकाल के। तो अब हम हैं उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से जो ये हमारे फंदे हैं इनको हमने यहाँ पर 58 फंदे हैं टोटल, इनको हमने उल्टी साइड से सभी फंदों को ऐसे सीधा सीधा बना के पूरी सिलाई को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसी तरह से सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने उल्टी साइड से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना लिया। अब आएंगे सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से हमने क्या करना है, अब यहाँ बीच से हमने फंदे घटा के बुटीज की शेप देनी है। तो यहाँ पर मैंने 38 फंदे डाले थे, 38 ही हम ऊपर घटा के इसको रखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर 19 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे, दो तीन चार इस तरह से। तो मैं 19 फंदे बुन लेती हूँ, 17 और एक 19 फंदे हमने सीधे सीधे बनाए। 20 फंदे जो बीच में हैं इनको हमने दो का एक करना है, इस तरह से लेंगे और दो का एक ये 10 बार हम करेंगे, एक बार फिर से दो फंदे इकट्ठे लेंगे, दो बार फिर से हम इकट्ठे दो फंदे लेंगे, तीन बार फिर से इकट्ठे हम दो फंदे लेंगे, चार बार फिर से इकट्ठे दो फंदे लेंगे हम, पांच बार फिर से इकट्ठे दो फंदे लेंगे, छह बार फिर से इकट्ठे दो फंदे लेंगे, सात बार फिर से इकट्ठे दो का एक करके आठ बार, फिर से इकट्ठे दो का एक नौ बार, फिर से इकट्ठे दो का एक 10 बार। ये मैंने 10 बार दो का एक करते हुए बीच सेंटर में फंदों को कम किया। अब ये 19 फंदे तो इनको हमने सीधा बनाना, तो मैं सीधे बना लेती हूँ 19 फंदे। ये देखिए सभी 19 फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट किया। अब आ गए हैं उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से सभी फंदों को हम सीधा सीधा ही बनाएंगे,
इस तरह हम सभी फंदों को सीधा सीधा बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, मैंने उल्टी साइड से सभी फंदों को सीधा सीधा बना लिया। अब आएंगे सीधी साइड की तरफ, सीधी साइड से फिर से 19 फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे इस तरह से। तो मैं पहले 19 फंदे बुन लेती हूँ। तो ये 19 फंदे सीधे बनाए, बीच में जो ये फंदे हैं इनको हम फिर से हम देखिए 5 बार 2 का 1 करेंगे। तो 2 का 1 एक बार, 2 का 1 दो बार, 2 का 1 3 बार, 2 का 1 4 बार और 2 का 1 5 बार। अब ये 19 फंदे देखते ही इधर हमारे 3, 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 1 19। अब इन 19 फंदों को भी सीधा सीधा बनाएंगे। तो मैं सीधा सीधा बना लेती हूँ। तो ये 19 फंदे भी सीधे सीधे बना लिए। अब हम उल्टी साइड से पूरी रो को सीधा सीधा बनाएंगे। तो मैं बुन लेती हूँ। तो उल्टी साइड से पूरी रो को सीधा सीधा बना लिया। अब आएंगे हम सीधी साइड की तरफ, सीधी साइड से पहले 19 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे। तो पहले मैं ये 19 फंदे सीधे बना लेती हूँ। ये 19 फंदे सीधे सीधे बनाए। अब की बार ये 5 बार फंदे हैं ये वाले, इनको हमने किस तरह से बनाना है थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए। 2 का 1 इस तरह से, यहाँ से 2 का 1 और यहाँ पर हमने अब की बार ये देखिए 3 का 1 बनाना है हमने। इस तरह से फंदे लेंगे और इन 3 फंदों का इकट्ठा 1 इस तरह से बनाना है। अब ये 19 फंदे हैं, इनको हमने सीधा सीधा ही बनाना। तो मैं सीधा सीधा बना लेती हूँ। तो ये 19 फंदे मैंने सीधे सीधे बना लिए हैं। अब आएंगे उल्टी साइड की तरफ, उल्टी साइड से हम पूरी रो को ऐसे सीधा सीधा बना के हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पूरी उल्टी साइड से, पूरी रो को सीधा सीधा बना के। तो ये उल्टी साइड से पूरी रो को सीधा सीधा बना लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस तरह से घटाने के बाद सेफ आई, यहाँ बीच में हमने अब की बार 1 बार 2 का 1 करना है। फिर हमारे टोटल 38 फंदे रह जाएंगे। अब 40 फंदे, 2 फंदे और हम बीच सेंटर से इसको कम करेंगे। तो पहले ये 19 फंदे हम ऐसे ही सीधा सीधा बनाएंगे इस तरह से। तो मैं 19 फंदे बना लेती हूँ। तो ये 19 फंदे सीधे सीधे बना लिए। अब ये बीच सेंटर में 2 फंदे हैं यहाँ पर हमारे ज्यादा, तो 2 का 1 करके अब ये 19 फंदे हम इधर से इस तरह से सीधे सीधे बुन लेंगे। तो मैं इसी तरह से बना लेती हूँ सभी 19 फंदों को। तो ये 19 फंदे मैंने सीधे सीधे बना लिए। तो अब मेरे पास है सिर्फ यहाँ पर 38 फंदे। तो अब हमने सीधी तरफ से भी सीधा सीधा बनाना है, उल्टी तरफ से भी। तो मैं 8 रो और ऊपर बना लेती हूँ बॉर्डर के लिए, दोनों तरफ से सीधा सीधा इन 38 फंदों का। फिर देखते हैं बना के इसकी सिलाई किस तरह से करेंगे। ऊपर मैंने ये 4 धारियां, 1, 2, 3, 4 धारियां बना के बाइंड ऑफ कर दिया। तो ये बुटीज हमारी इस तरह से बन के कम्प्लीट है। अब हम इसे सिलेंगे। सिलेंगे हम किस तरह से, ये सीधी साइड है, सीधे साइड को अंदर की तरफ करके इस तरह से, और हम यहां से लेके यहां तक इसकी सिलाई करेंगे। तो मैं सिलाई कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक किस तरह से। यहां से लेके यहाँ तक इसकी सिलाई कर ली है। सिलाई करके और मैंने यहाँ पर इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये सीधा करने के बाद बुटीज की लुक इस तरह से आएगी। यहाँ पर मैंने एक फ्लावर भी लगाया। तो बुटीज का फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आया है। अगर फ्रेंड्स आपने मेरी बुटीज पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तो बने रहे इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ।